रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नदीम अख्तर भट और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके इरफान भट की जानब से सराय आलमगीर रिहायशगाह नदीम अख्तर भट पर ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला गुजरात और जिला जेहलम की क्यादत मकामी सियासी व समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सदर पंजाब वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताशफीन सफदर मराला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खारियां और सराय आलमगीर हमारी दो ऐसी तहसीलें हैं जहां के लोग बहुत ज्यादा तादाद में बैरून मुल्क मकीम हैं और ये ओवरसीज जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। ताशफीन सफदर का कहना था कि नदीम अख्तर भट और इरफान भट हमारे बहुत अच्छे पुराने साथी हैं जिनकी दावत पर आज हम सब एक साथ सराय आलमगीर में जमा हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब को नजर आता है कि जिला जेहलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है और हम हर मैदान में पार्टी के साथ खड़े हैं। ताशफीन सफदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लीडर हैं और उनकी एहतजाज की कॉल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, इसलिए सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को पहले सोचना और समझना चाहिए कि इमरान खान क्या कह रहा है, फिर अगर आपका दिल गवाही दे तो इस मुल्क की हातर जरूर बाहर निकलें। तकरीब के आखिर में नदीम अख्तर भट और इरफान भट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का दिल के अथाह दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल को चार चांद बख्शे। कुछ दिन पहले मेरी पाकिस्तान आमद हुई और मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि जो पीटीआई की क्यादत है वो एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद हो और इसमें हमारे चौधरी लियाज साहब, मैडम ताशफीन सफदर साहिबा, फिर उसके अलावा राजा नईम नवाज साहब जो मरकजी का दीन थे वो इसमें शामिल थे।